हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशन। अभी अभी एसएससी की साइट पे एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर है। जो भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस जॉब को लेने के लिए, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और इस का एग्ज़ाम जो शेड्यूल किया गया है वो जनवरी 2023 शेड्यूल किया गया है, जो कि इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें। और इस बार एसएससी जीडी में 24,369 वैकेंसी अपडेट की गई हैं, जो कि ये आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी हैं इस बार। एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस इस प्रकार है कि पार्ट वन में दे रखा है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। एंड पार्ट बी में दे रखा है आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पार्ट सी में दे रखा है आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी में चॉइस दे रखी है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगले पेज पे चलते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूँ इसका पीईटी के बारे में। पीईटी जो कि दिया रखा है इस प्रकार, मेल कैंडिडेट के लिए पीटी जो है वो है रेस दे रखी है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स एंड 800 मीटर इन 4 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पीएसटी से रिलेटेड। पीएसटी जो दे रखा है आपको हाइट फॉर मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल फॉर 157 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं उनको छूट दी जाती है 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और वहीं चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट दे रखा है आपको जो अनएक्सपेंडेड होगी जनरल के लिए वो 80 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होगा। वहीं जिनको छूट दी जाती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट को, उनको अनएक्सपेंडेड सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपेंशन उसमें होगा 5 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों ये था आपके सामने जो मैं लेके आया एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है उसके बारे में। तो आप देरी ना करें और जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी एक जॉब पक्की करें। धन्यवाद।